प्रियांशु जैन, मैं BCom थर्ड सिक्स सेम का स्टूडेंट हूँ। मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरे पापा हर महीने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डालते हैं जिससे मैं अपना गुजारा करता हूँ, और उसके लिए मैं अपने पर्स में पूरे पैसे नहीं रख सकता। मैं धीरे धीरे अपने अकाउंट से पैसे निकालता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक्स का नया नियम है कि मैं तीन बार से ज़्यादा किसी दूसरी ब्रांच के ATM से नहीं पैसे निकाल सकता। जबकि मैंने अपने पैसे निकाले अपने डेली वेजेस के खर्चे के लिए, तो मैंने कल 1000 रुपये निकाले, जिसके एवज में मेरे पापा ने मुझे 1000 रुपये डाले थे, और 1000 रुपये मैंने यहाँ पे निकाले। मेरे पापा ने जब 1000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले तो 29.5 रुपये मेरे अकाउंट से पहले कटे। फिर जब मैंने वो पैसे 1000 रुपये निकाले, 29.5 रुपये मुझे मेरे फिर कटे, तो मेरे 1000 रुपये के ट्रांजेक्शन के लिए मुझे 60 रुपये अपने अकाउंट से पे करने पड़े। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?